ये पिछोड़ी में काले झंडे लगाए, ये किस विरोध में लगाए? ये इस विरोध में लगा है कि हमको अभी तक हमारे गांव में पूरा पूरा परिवार यहाँ रह रहा, गांव पूरा बस्ती है, पुनर्वास नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं कि सबका पुनर्वास हो गया और जीरो बैलेंस से बोल रहे हैं, इसलिए हम काला झंडा लगा के यहाँ मौजूद है, आज भी हम रह रहे हैं। सभी को प्लाट बाकी है, किसी की एसआरपी बाकी है, किसी का मूल मुआवजा बाकी है, किसी की हल 700-800 करीबन स्थापित है, उसमें से 62 प्लाट उन्होंने बसावट बनाए, बाकी के सब लोगों को इधर उधर छिधर छिधर कर दिए है। वहाँ ना तो पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, और मूल गांव में राशन कार्ड पर सब राशन का राशन दुकान है, वो दुकान समझ लें दे रहे हैं, कंट्रोल पे है, पढ़ाई लिखाई पे समझ लें मूल गांव में चल रहे हैं स्कूल पे। और एसआरपी वाले जो 20 से 30 करीबन है, वो उनको भी अभी हल सरकार ने जमीन नहीं दी। जिसके नाम से जमीन का आवंटन हुआ है उसी को भी भूखंड की पात्रता है, और एनबीडी वाले कह रहे कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा, सर आप यहाँ पढ़ाते हो? हाँ। कब से पढ़ाए हो? 2004 से। 2004 से तभी कितने साल हो गए आपको यहाँ पढ़ाते? लगभग 12 साल से ऊपर हो गए। तो यहाँ पे पिछोड़ी गांव को एनबीडी ने बताया कि जीरो बैलेंस है, तो आपको क्या लगता है आपके यहाँ कितने बच्चे आते हैं? यहाँ हमारे यहाँ अभी तो अभी फिलहाल की स्थिति में 51 बच्चे दर्ज है, और पूरा गांव यहीं पर अभी तो रह रहे हैं, कई दूसरी जगह बसे हुए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ग्राम पिछोड़ी का जो प्रभावित होगा, सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाए, तथा उसके बाद ही वहाँ का जो रिपोर्ट है नर्मदा घाटी का प्राधिकरण शून्य घोषित करे। इससे पहले दुप्रभावितों का अधिकार नहीं मिलते हुए भी उनको शून्य घोषित नहीं किया जाए। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी मेरी मदद करें। बड़वानी जिले के पुनर्वास अधिकारी श्री VS गोहा, जिनका मोबाइल नंबर है 94254-60521 पर कॉल कर दबाव बनाए, जिससे कि विस्थापितों को लाभ मिले। मैं पवन सोलंकी, ग्राम पिछोड़ी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।